बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के साथ भाई एक छोटी सी बात शेयर करूंगा और जल्दी वीडियो के अख्ताम पर जाऊंगा। बात कुछ अहम थी इसलिए मैंने बोला कि चलो आपके साथ शेयर कर दूं। आप हजरात जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, मेरे भाई पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, जितने भी खारजी भाई हैं, हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है हर किसी के पास। किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, किसी के पास भाई लैपटॉप वगैरह भी है, तो सब भाई मोबाइल इस्तेमाल करते हैं इधर, और अपनी तस्वीरें बनाते हैं। अगर बारिश हो रही है उसकी तस्वीरें बनाएंगे, अगर मस्जिद में गए मस्जिद की वीडियो बनाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे, कहीं रास्ते में जा रहे हैं मौसम खूबसूरत है उसकी वीडियो बनाएंगे, मस्जिद नबवी गए हैं आप वहाँ पर वीडियो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा बनाते जाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे वहाँ पर मौजूद मकामात की, वीडियो वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे वहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सोशल मीडिया जितने भी आपके अकाउंट है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि भाई मैं इस जगह मौजूद हूँ, इस जगह। इस पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ वाली बात भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँगा। इस वक्त सऊदी अरब के जो हालात चल रहे हैं इनको लेकर इस वक्त मेरे साथ एक वकूआ आया है, पेश आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं भाई मस्जिद नबवी था, अभी ये जुमा वाला दिन की बात है, यानी कि आप बोल रहे दो तीन दिन पहले की बात। तो मैंने ना उधर साथ ही सात नंबर या छः नंबर गेट से निकलते ही ना साथ ही मस्जिदें हैं, मस्जिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मस्जिद अली है। तो मैं मौजूद था मस्जिद अबू बकर सदीक, तो वहाँ पर जब मैं भाई मौजूद था तो उस मस्जिद की मैं वीडियो बना रहा था, तो वहाँ पर मुझको एक सऊदी लड़का मिला है, वो मुबैस में था, लेकिन मैंने उसका वो पताका वगैरह तो नहीं देखा है, लेकिन वो मुबैस में था। उसने मेरे को बोला है कि भाई तू इधर क्या कर रहा है। मैंने उसको बोला कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका वीडियो डिलीट कर। मैंने बोला भी ठीक है, उनको हो गया मसला। मैंने वीडियो डिलीट कर दी, एक तस्वीर ली थी, उसने मेरे से वो तस्वीर भी डिलीट करवा दी, और बाद में मेरे को बोला है इकामा दे, आते इकामा। मैंने बोला भी तू क्या शुरता है, तेरे को इकामा दूँ? उसने बोला भी मैं शुरता ही हूँ, गाड़ी में वो मेरा पताका पड़ा हुआ है, मैं तेरे को दिखाता हूँ। मैंने उसको बोला तू पताका ला, मैं मेरे इधर दोस्त हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, फिर तेरे को पताका दूंगा। तू शुरता नहीं है, मैं तेरे को ऐसे इकामा नहीं दूंगा। तो ऐसे इकामा किसी को दीजिएगा बिना जो सिविल ऐसे आप कपड़ों में हो, उसकी पूरी तसल्ली कीजिएगा पहले, ऐसे इकामा किसी को दिखाना भी नहीं चाहिए। तो वो उधर से वो लेने चला गया और मैं दूसरी तरफ, साथ ही छः नंबर गेट है मस्जिद नबवी का, तो मैं उस तरफ चला गया हूँ, चलो उधर कुछ शुरते वगैरह खड़े होते हैं उनसे बात करूंगा, ये मेरे को ऐसे बोल रहा है। लेकिन वो मेरे पीछे आया, थोड़ा मेरे पीछे चला है वो, आप बोल रहे 200-300 मीटर, मुझको उसने दो तीन दफ़ा आवाज़ भी लगाई है कि तारिया मोहम्मद कि भाई इधर आओ, मैं तुमसे इकामा मांग रहा हूँ। मैंने उसको आगे से यही बोला कि तू मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं उधर जा रहा हूँ, उधर तेरे को इकामा दूंगा। वो उधर खड़ा हो गया, फिर मेरे पीछे नहीं आया। तो मैं छः नंबर गेट से इंटर हुआ, वो अस्करी वाले यानी कि आर्मी वाले खड़े हुए थे सऊदी दो तीन, तो मैंने उनसे बात किया, उन लोगों ने बोला कि ममनू भी तस्वीरें वीडियो ममनू है, आप नहीं बना सकते, वैसे देख सकते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं आगे गया हूँ, एक पाकिस्तानी मेरे को मिला है जी, वहाँ पर मौजूद था वो, जो मस्जिद नबवी में काम करते हैं पाकिस्तानी हजरात, बहुत से ये सफाई सुथराई का, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्यूटी है उनकी। तो उनसे उससे मैंने बात किया, तो उसने मेरे को बोला है कि ये अभी जो हालात चल रहे हैं ना इनको इनके इसको लेकर ये लोग मना कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए मत बनाइए, वरना ऐसा कानून नहीं है कोई कि आपको वो बोले आपको जुर्माना वगैरह कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनका क्या पता है आपको किसी बात को लेकर आपको जुर्माना भी कर सकते हैं। तो बाद में मैंने गुंबद खजरा वगैरह मस्जिद नबवी के अंदर से अपनी भी तस्वीरें वहाँ से उतारी हैं, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने नहीं बोला है। तो लेकिन इधर उधर की भाई वीडियो बनाने से थोड़ा एहतियात करें, इस वक्त सऊदी अरब के हालात जो चल रहे हैं इनके मुताबिक बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम बन सकती है, चाहे आप वो किसी अपने चैनल पर वीडियो लगाते हैं बनाकर या किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाते हैं। बस बनाएं अपनी तस्वीर वगैरह या कोई अच्छी वीडियो को, लेकिन उसमें कुछ एहतियात कीजिए बस। अगर आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं कि ये चीज़ इधर नहीं है, ये ख़त्म हो गई है, इधर ये मसला बन गया सऊदी अरब में, ये प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम बन सकती है।